जाहिर साथियों, आज जो टेक्निकल का फर्स्ट डे था, ये कैंडिडेट जो फिजिकली पूरी तरह फिजिकल और डॉक्यूमेंट क्लियर करवाने के बाद में आज आ रहे हैं। अभी इनसे पूछते कि भाई क्या क्या फिजिकल प्रोसेस था, क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस था, ओल्ड प्रोसेस था भाई। क्या नाम आपका? आपका नाम कुमार। आपका क्या नाम? सोनू कुमार। तो आप ग्राउंड के बारे में क्या क्या बताना बताओ, पूरी प्रोसेस जीरो से लेकर लास्ट तक की पूरी प्रोसेस बता। टेक्निकल का बैच सुबह 1 बजे से इंटर चालू हुई थी। आज टेक्निकल का बेज रनिंग के लिए आया था। पांच बेज बने थे। कितने कैंडिडेट थे पांच बेजों में? 100 के बेज थे। तो कितने कैंडिडेट, कौन से बेच में सबसे बेस्ट कैंडिडेट लिए? बेस्ट कैंडिडेट लास्ट बेच में और थर्ड बेच में। थर्ड में 60 बंदे थे लास्ट बेच में। हां, 60 में से कितने कैंडिडेट लिए? 60 वो तो 120 में निकले। 100 में से 60 कैंडिडेट लिए। 100 में से 60 बंदे। अच्छा, 100 में से 60 लास्ट बेच में और जो थर्ड बेच था उसमें 53 बंदे थे। 53 बचे लिए थे। 11 एक्सीलेंट थे। 11 एक्सीलेंट। हां, फर्स्ट बैच में 9 एक्सीलेंट थे। बीम का कैसा क्या सिस्टम है? बीम सर वैसे सही है, 50 क्लियर करवाते हैं 10 में। और बीम के बाद में क्या क्या प्रोसेस हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो रहे हैं? नहीं है तो टाइम दिया जा रहा है। और जो हाइट टू वेट का क्या सिस्टम है? हाइट में हाइट में बाहर हो रहे हैं। हाइट में बाहर कर रहे हैं। और अपना वेस्ट का क्या सिस्टम है? नॉर्मल है। कोई नहीं, कोई नहीं। कुलाव में बुजुर्ग कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो बच्चों का है, बट कोऑपरेट कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और कुछ कौन सा डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो जरूरी है? एफिडेविट और जाति मूल, ट्वेल्थ और एवीवाइट का और अनमेरिड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दूसरी बात, मेडिकल कब का आपका? मेडिकल इसी ग्राउंड में होगा। कितनी बजे एंट्री के लिए बुलाया मेडिकल? 6:30 के लिए। आज टोटल कैंडिडेट आपके साथ कितने पास किए? 230 के। 230 कैंडिडेट पास किए हैं 500 में से? नहीं, वैसे तो 800 बंदे थे। 800 दे लेंगे, पहुंचे 500 दे। 500 में से 230 कैंडिडेटों ने पास किए। और कुछ ग्राउंड के बारे में, आप नंगे पांव दौड़े या कैसे भी दौड़ो, ग्राउंड सर एवन है। पानी वाली मार के अच्छा कर रहे हैं, एकदम पक्का जूतों से दौड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर हल्की मिट्टी है। तो फर्स्ट बेच में दौड़ने के बाद में सेकंड बेच वाले के लिए कुछ ग्राउंड में चेंजिंग होता है? जीडी और कलर के जो भी भाई है उनको क्या बोलना चाहते हो? आप कैसे रनिंग करनी चाहिए, कौन से? बस सर्दी का ध्यान रखिए, सर्दी का ध्यान रखिए। बस पहले कपड़े ना निकाले, टाइम पूरा है, बीच में रुके ना, बस 4 राउंड कम, 4 राउंड पूरे करें। आपने कितने बजे एंट्री ली थी? मैंने सर 1:30 के टाइम, दूसरे बेंच में थे। आपका ग्राउंड टाइमिंग कितना था? पहले आपका प्रैक्टिस टाइम पे ग्राउंड टाइमिंग कितना लगा? 5:15 तक आ जाता था नॉर्मल। 5:15 आपका? 40 आपका? 5:35 5:35 5:40 5:15 और 5:20 आप देख सकते हो टोटल टाइमिंग। 5:55 आया हुआ है। 5:55 वाला कैंडिडेट भी रनिंग क्लियर कर रहा है। ये भाई बता रहा है चार चक्कर पूरे लगा रहा है, वो क्लियर कर रहा है रनिंग। तो आप भी यदि जीडी कलर के यदि और अदर ट्रेन से हो, सर कह रहे हैं बाजो। अच्छा, सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। हर मोड़ के ऊपर फौजी खड़ा है, हर मोड़ के पास 50 मीटर में फौजी खड़ी है, तो आपको मोटिवेट करें। बस रुकना नहीं है, चक्कर पूरे चाल लगाने हैं। पूरे टाइमिंग के हिसाब से आप आसानी से लगा सकते हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट की अच्छी व्यवस्था है। सर्दी का सबसे मेन है, सर्दी में कपड़े नहीं उतारे जब तक कोई ग्राउंड के लिए जा रहे। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।